चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शिवदेलागू। ये 7 फीट बालाजी का मंदिर है। यहाँ पुजारी लंबे समय से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर के दान पात्र में जो भी कुछ आता है उसको कमेटी लेती है और वो एक आम समिति में हमने स्वीकार किया, लेकिन पंडित के साथ हम किसी प्रकार की जायस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए राजस्थान ब्राह्मण महासभा और विप्र सेना ऐसा एक विशाल आंदोलन करेगी अगर सही न्याय नहीं मिला तो। लेकिन क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि वो पंडित जी के साथ हैं, इसलिए इस बात का निर्णय होना चाहिए कि व्यवस्था किस रूप में हो। क्षेत्रवासियों को भी इसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए। अजमेर में ऐसा कौन सा मंदिर आ गया है जो महिलाओं को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है? अजमेर में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसके अंदर जो पंडितों ने महिलाओं को आने से रोका है। ये कमेटी वाले करते हैं जिनमें यहाँ के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी हैं जो महिलाओं को आने से रोकते हैं। हो सकता है कि उनको कहीं भ्रांतियाँ हो कि पंडित जी अकेले हैं तो वो उस गलतफहमी को निकाल दें। और उनके कमरे पर जिस प्रकार से ताला लगाने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक है जो हम संघर्षित रहेंगे। और रही सवाल ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज कभी जातिवाद पर विश्वास नहीं करता है। अगर जातिवाद पर विश्वास करता तो भगवान राम को क्यों पूछते जो क्षत्रिय थे और भगवान कृष्ण को क्यों पूछते जो अहीर थे। तो ब्राह्मण समाज हमेशा सभी समाजों का आदर करता है। ये पंडित जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत और निराधार है। अरे भैया कभी प्रोग्राम नहीं हुआ इस मंदिर में, इतना पैसा है। पंडित सुदामा शर्मा अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा। इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये मंदिर सबका है, सभी धर्म में लोगों का है। यहाँ बाहर भी बैठ सकते हैं लोग, बाग अंदर भी आ सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, यही हमारा मानना है। बस महिलाओं को अंदर नहीं आने दिया जाता है। महिलाओं को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। कई बार महिलाएं अंदर आएंगी, महिला पूजा करेंगी। हम तो यही कह रहे हैं भाई, सबका है, सबका होना चाहिए। मंदिर के भले के लिए विशेष कमेटी बननी चाहिए, व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। भगवान भगवान को नाम नहीं बना सकते। नाम अक्षय दादी। ये मामला है इस मंदिर का कि ये लोग इस माला वाले को भी परेशान करते हैं। बेचारा 2 रोटी खाता है कमा के, उसको भी बोलते हैं यहाँ से हटो और बार बार यहाँ पे किसी को बैठने नहीं देते हैं। और जो भी लेडीज पैसे चढ़ाती है तो बोलते हैं पंडित को पैसे मत दो, आप इस दान पात्र में डालिए। और अब कभी भंडारा नहीं होता, कभी प्रसाद नहीं बढ़ता यहाँ पे, और अपनी मनमानी चलाते हैं। अध्यक्ष वाले अपने घर ले जाते हैं, सब अपने घर ले जाते हैं, किसी को नहीं देते। और माला वाले को बहुत परेशान कर रहा है। सर्वसम्मति से सभी अनंत यहाँ के कॉलोनी के बैरीगंज, भजनगंज, शिवनगर, ये सभी यहाँ इकट्ठे हुए और सर्वसम्मति से पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया है। पंडित जी सब पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया है और 11 मेंबर जो है वो यहाँ के देखरेख के लिए रखे गए हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं। तिथि घोषित की जाएगी 1 महीने की, यहाँ सदस्य बनाए जाएंगे, उसके बाद यहाँ नए चुनाव होंगे नए तरीके से। थैंक यू। राकेश कुमार मिश्रा, शिवनगर, सातपिपली बालाजी मंदिर, शिवनगर बैरी। सर मंदिर सार्वजनिक मंदिर है, यहाँ कोई भी आता है कदम कदम पे पैसा मांगते हैं लोग। आप मंदिर में आरती करोगे, पूजा करोगे, पैसा लेके आओ, 1100 रुपए जमा कराओ, इनके ताले के रसीद कटाओ, 1100 रुपए की रसीद कटाओ। यहाँ पे बोलो पुराने कमेटी वाले ऐसे ही बोलो, पुराने कमेटी वाले नई कमेटी बनी जाएगी, पुरानी कमेटी खत्म करेंगे। हम सब और उनका हिसाब खुदा है तो ये सब बोल रहे हैं। मैं अंतराज वैष्णव और मेरी धर्मपत्नी अंजना देवी, जो कि मैं पिछले 4 वर्षों से यहाँ बालाजी सातपिपली बालाजी मंदिर में सेवा करता आ रहा हूँ, तथा मैं जब से आया तब कमेटी ने मेरे से कोई ऐसा कोई मैटर पे कोई लिखवाया नहीं, कोई कोई नियम कायदे मेरे से नहीं लिखवाया। लेकिन मेरे को अभी सात महीने से मेरे को कमेटी वाले इतने परेशान कर रहे हैं
इतने परेशान कर रहे हैं कि मेरे को यानी कि जबरदस्ती निकालने के लिए, यानी कि एक दिन मेरे दो ढाई तीन महीने पहले रात को मंगलवार के दिन 10 बजे सारे मंदिर के चारों तरफ दरवाजे बंद करके इन चार पांच कमेटी वालों ने मेरे को ऊपर जबरदस्ती इन्होंने साइन करवाए। तो आपने जब क्यों नहीं शिकायत करी तो आप जब शांत क्यों बैठे थे? लेकिन मैं मजबूर था, मैं अकेला था, किसी का मेरे को यानी कि मैं इसीलिए रुका। मैंने ये सोच लिया कि अगर दोबारा कमेटी वाले मेरे को परेशान करेंगे तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। क्या ये महिलाओं का अंदर क्यों चलाने का वोट करना? वो आप थोड़ी रोक रहे महिलाओं को, सभी ने सहयोग किया पंडित जी को, महिलाओं को आप थोड़ी रोक रहे हैं? नहीं, मैं महिलाओं को किसी को, मैं आने वाले भक्तों को, महिलाओं पुरुष कोई भी इस मंदिर में आते आए आ रहे हैं उनका सबका मेरे प्रति समर्थन है। मैं हंसराज वैष्णव मुकाम पोस्ट बाबरा तहसील रायपुर जिला पाली का रहने वाला हूँ।